राइट नाउ, क्योंकि एलेक्स यहाँ पे एक अलग रोटेशन ले रहे हैं एंड आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा दूर है अपने टीम से। एंड सोल वाइपर ने वहां पे एक्वा के स्काई बॉय को नॉक कर दिया, तो चलते हैं यहाँ पे टीम सोल की फाइट देखने के लिए एंड मॉटल पे चलते हैं, जैसे देखते हैं यहाँ पे मॉटल का क्या रोल रहता है। एंड यहाँ पे पुश आ चुका है टीम सोल का, अभी यहाँ पे देख सकते हो प्रतीक आई थिंक स्पॉट करेंगे मॉटल को, डेफिनेटली शॉट लेते हुए मॉटल की तरफ, बट मॉटल यहाँ पे नॉक होते हुए एंड यहाँ पे सांगवान के पास चलते हैं, यहाँ पे सांगवान प्रे डाउन करते हुए विजिट के ऊपर एंड वाइपर भी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं फिलहाल एंड देखते हैं यहाँ पे फाइट हो सकता है बहुत संगीन। एंड यहाँ पे सांगवान यहाँ पे और एक बेहतरीन नॉक लेते हुए, तीन नॉक ले चुके हैं, स्काई बॉय को यहाँ पे फिनिश कर देंगे सांगवान विद दैट ब्यूटिफुल नॉक। तीन प्लेयर्स यहाँ पे अकेले सांगवान ने सटका दिए एंड बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले बाय टीम सोल। सांगवान तो नए एडिशन है लाइनअप में एंड एग्जैक्टली प्रूविंग कि क्यों इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्यों इतने बेहतरीन खेलते हैं जो इनको सोल में लिया गया एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल प्ले बाय टीम सोल सांगवान। एंड फिलहाल चलते हैं दूसरे फाइट की तरफ एंड टीम नंबर ELBS की स्क्वाड यहाँ पे जोन के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रही है। 11 नंबर की स्क्वाड टीम 12 भी है, टीम 15 भी है, टीम 21 भी है, आप देख सकते हो कितने सारे स्क्वाड हैं यहाँ पे। टीम सोल के प्लेयर्स यहाँ पे शॉट्स लेते हुए, मे बी टीम नंबर 10 के प्लेयर्स अगर स्पॉट कर देते तो काफी ज्यादा दिक्कत होने वाला है टीम सोल के प्लेयर्स को। एंड मॉडल की तरफ देखते हैं यहाँ पे मॉडल स्प्रे डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं टीम 7S के प्लेयर्स के तरफ एंड खुफिया जारवेस के ऊपर नेड जरूर करेंगे एंड आप सबको पता ही है मॉडल के नेड्स बहुत रेयरली मिस होते हैं, बट ये नेड अगर वो खिड़की के अंदर जाएगा तो डैमेज दे सकता है, बट डैमेज नहीं हुआ। एंड यूएमए के ईवोस ब्लाइंड यहाँ पे एक नॉक लेते हुए, यहाँ पे ईवोस ब्लाइंड जोन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे बट टीम बीएस का शिकार हो चुके हैं। एंड यहाँ पे देखते हैं टीम नंबर 5 के प्लेयर्स भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, हेल के बीस्ट यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, श्रेयस जो कि बहुत ही लो एचपी, एक एचपी पे बचे हैं, देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार जोन के अंदर प्रवेश करते हैं एंड समवट राइट हैंड साइड से जा रहे हैं, बट आप देख सकते हो कितना ज्यादा भसड़ है यहाँ पे टीम 7S के प्लेयर्स को। यहाँ पे कुफिया का जार्विस नॉक करते हुए, ग्रिफिन को भी जोन के अंदर आना पड़ेगा एंड उनको उनको नॉक भी करना पड़ेगा एंट्री करने से पहले, किस प्रकार एंट्री करते हैं वो देखना पड़ेगा। राइट हैंड साइड से रोटेट आउट किया है उन्होंने खुफिया के जार्विस की स्पॉट, उनको स्पॉट कर लेगा एंड यहाँ पे डेफिनेटली जार्विस को नॉक कर देंगे। ब्लेस को फिर से बचाने की कोशिश रहेगी बट शुभुआ ने वहां पे उनको स्पॉट कर लिया, ग्रिफिन को एक दूसरे एंगल से भी शॉट पड़ते हुए, बट 7S के ग्रिफिन यहाँ पे सोल मॉडल के शिकार जरूर हो जाएंगे। एंड हाई ग्राउंड लेते हैं यहाँ पे टीम सोल के पास, एक बहुत ही बेहतरीन हाई ग्राउंड का फायदा उठाते हुए देखते हैं यहाँ पे चलते हैं सोल के मॉडल की तरफ एंड देखते हैं यहाँ पे 947 के ड्यूक को भी स्पॉट कर लिया, ग्रिफिन ने डेफिनेटली बहुत अच्छी कोशिश की थी, बहुत अच्छे एफर्ट्स दिखाए थे, हेल के श्रेयस को भी आई थिंक मॉडल ने स्पॉट कर लिया, शुभुआ का भी प्रेजेंस उनको पता है कि बगल में उनके एंड वाइपर ने वहां पे स्लेयर के एलेक्स को भी फिनिश करा था। तो टीम सोल देखते ही देखते 7 किल्स ऑलरेडी पिक ऑफ कर चुके, तो बहुत सारे किल्स उन्होंने अपने पोजीशन होल्ड करके ही पिक कर लिया है। एंड अगर बात करें यहाँ पे टीम सी की प्लेयर्स की, तो उन्होंने वो पावर यू नो ट्रांसमिटिंग कंपाउंड के पास ही अपना पनाह लिया है एंड शॉट्स फिलहाल लेते हुए मॉडल की तरफ, बट मॉडल के पास एक 4 times है ऑन दैट ब्यूटिफुल M24, देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार शॉट्स लेते हैं। फिलहाल मॉडल को भी डैमेज पड़ता हुआ राइट फ्रॉम बैक एंड गाइस 2.5K पीपल आर वॉचिंग एंड यहाँ पे ELBS के अवी को, अवी ने यहाँ पे RIP स्क्वाड के गुरकरण को फिनिश कर दिया है। एंड अगर बात करें तो 2500 लोग देख रहे हो यार, जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दो अगर आपको मेरी कास्टिंग पसंद आ रही है, अगर आपको मेरा यू नो लाइक पूरा का पूरा जो रोरिंग वुल्स का चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि गाइज यहाँ पे रोरिंग वुल्स का जो टूर्नामेंट चल रहा है रोरिंग कप, वो आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, एक्सक्लूसिवली यहीं पे होने वाला है। एंड मैं हूँ पेन फिक्सेस जो कास्ट कर रहा हूँ उस टूर्नामेंट को, अभी सेमीफाइनल्स का पड़ाव है, इसके बाद फाइनल्स के पड़ाव होंगे एंड देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। टीम सी के आयरोनिक्स ने यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन T4C के स्लेयर को नॉकर फिनिश किया, T4C के नेक्रो के तरफ चलेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे ड्रोन व्यू लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे T4C के पीका बहुत ही अच्छा होल्ड कर रहे हैं, टीपी भी ले रखा है एंड सोल के सांगवान ने वहाँ पे ELBS के 1947 के ड्यूक को नॉक कर दिया, नेक्रो को यहाँ पे व्हीकल एक्सप्लोजन के द्वारा क्रेटोस ने उड़ा दिया है सी के, बट यहाँ पे पीका आई थिंक अनुराग के साथ अकेले बचे हैं, यहाँ पे नेट कुक करने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी आयरोनिक्स की तरफ फेंकने की कोशिश रहेगी। मॉटल यहाँ पे प्ले जोन से नॉक हो चुके हैं, अभी यहाँ पे ग्रेनेड आई थिंक अभी भी प्ले जोन से नॉक हो चुके हैं, सांगवान ने ड्यूक को फिनिश ऑफ जरूर किया है, बट यहाँ पे पीका के तरफ देखना पड़ेगा क्या यहाँ पे कुछ आता है या नहीं, फिलहाल पीका की तरफ चलते हैं। क्रेटोस ने वहां पे सोल मॉटल का जो किल है वो सिक्योर कर दिया है, बट पीका ने एक छोटे से घर के अंदर यहाँ पे घुस चुके हैं, तो यहाँ पे उनके साथ आई थिंक फाइट थोड़े से लेट में देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे सोल सांगवान की तरफ चलते हैं, वाइपर ने यहाँ पे ELBS के मैट को फिनिश ऑफ कर दिया, OCT के एनिग्मा की अगर बात करें यहाँ पे
तो ओसीटी के एनिग्मा यहाँ पे जोन के बाहर हील बैटल कर रहे हैं। तो टीम सोल यहाँ पे 9 किल्स ऑलरेडी ले चुकी है, मॉर्टल को जरूर इन्होंने प्ले जोन से गवा दिया, बट किल जो है मॉर्टल का वो चला गया सी के क्रेटोस की तरफ। एंड यहाँ पे मॉर्टल एनिग्मा को डेफिनेटली, आई थिंक टीम सोल ने यहाँ पे एनिग्मा को डेफिनेटली स्पॉट आउट कर लिया है एंड उनके ऊपर स्प्रे डाउन करेंगे, उनको फिनिश ऑफ करने की जरूर कोशिश रहेगी। बट सांगवान यहाँ पे ओवर एक्सटेंड बिल्कुल नहीं करते हुए, बट यहाँ पे अगर टीम सोल को जोन के अंदर जाना पड़ेगा थोड़ा दिक्कत हो सकता है। टीम नंबर 18 के बगल में बिल्कुल है जोन एंड यहाँ पे अच्छा खासा इन्होंने स्मोक्स तो डाल रखे हैं, बट इन स्मोक्स का किस प्रकार उपयोग करते हैं वो देखना पड़ेगा। बट ईवल ने यहाँ पे सांगवान को नॉक कर दिया, वाइपर आई थिंक अपने स्पॉट से बचते हैं यहाँ पे लॉन्ग रेंज का कैलिबर, बट वाइपर का यहाँ पे बेहतरीन नॉक आता हुआ कूलडाउन को यहाँ पे नॉक कर दिया। बट अभी इनको जोन के अंदर भी जाना पड़ेगा, पूरी की पूरी टीम बीएस के जो 3 प्लेयर्स है यहाँ पे स्पॉट आउट करने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली उनको पता ही है उनके सामने टीम सोल है, तो एक्स्ट्रा कॉशियस रहेंगे जरूर ये फाइट लेने में। बट यहाँ पे टीम सोल के प्लेयर्स ने बहुत ही बेहतरीन स्मोक का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे जोन के अंदर भी उनको जाना है, देखते हैं यहाँ पे जोन के अंदर कैसे प्रवेश करते हैं। सांगवान और मॉर्टल ऑलरेडी फिनिश ऑफ हो चुके हैं, डेफिनेटली सांगवान के क्रेट से लेना चाहेंगे कुछ सामान, एनिग्मा को भी स्पॉट कर लिया उन्होंने एंड वाइपर ने उनको जाने दिया क्योंकि अभी उनको जोन के अंदर जाना पड़ेगा। तो अभी जोन के अंदर भागने की कोशिश कर रहे हैं सोल के वाइपर, देखते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से टीम सी के प्लेयर्स अगर उनके ऊपर शॉट लेते हैं, बट वाइपर यहाँ पे जोन के बाहर नॉक हो चुके हैं तो काफी ज्यादा दिक्कत होने वाला है एंड कैलिबर भी फिनिश ऑफ हो जाएंगे। इसी के साथ टीम सोल फिनिश ऑफ हो चुके हैं, बट यहाँ पे स्प्रे डाउन का अच्छा खासा चांस था अनुराग के पास बट उन्होंने मिस कर दिया, इसी के साथ नॉक भी हो गए। टीम सी बहुत ही बेहतरीन खेल रही है एंड धीरे धीरे अपने चिकन डिनर की तरफ बढ़ते हुए जा रही है। देखते हैं यहाँ पे T4C के पिका जो अकेले बचे हैं क्या यहाँ पे कुछ कमाल का गेम प्ले दिखा पाएंगे, क्योंकि 23 मीटर अभी भी जोन के अंदर जाना पड़ेगा, 30 सेकंड्स के अंदर यहाँ पे 8 सर्कल चालू हो जाने वाला है। देखते हैं यहाँ पे कौन सी टीम चिकन डिनर ले लेती है, क्योंकि 4 ही टीम्स बची है अपने पास एंड T4C टीम OCT के प्लेयर्स फिर से सर्वाइव करते हुए एंड एनिग्मा की दाद देनी पड़ेगी जिस हिसाब से यहाँ पे खेल रहे हैं, किल्स नहीं है बट बहुत ही बेहतरीन सर्वाइव कर रहे हैं। एंड इस मैच में टीम BS के प्लेयर्स ने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है एंड BS के गॉड रेक्स और कूलडाउन ने बहुत ही बेहतरीन खेला एंड फिलहाल BS के कूलडाउन ने यहाँ पे OCT के एनिग्मा को फाइनली फिनिश ऑफ कर लिया है। एंड मैं वेट कर रहा हूँ उस मोमेंट का जब यहाँ पे 5 सेकंड के अंदर जब निकलेंगे T4C के पीका, क्या यहाँ पे सी के प्लेयर्स को यहाँ पे 1-2 नॉक दे सकते हैं, क्योंकि ये मैच अगर सी के प्लेयर्स यहाँ पे नॉक हो जाते हैं तो डेफिनेटली फायदा जो है वो टीम नंबर 20 के प्लेयर्स को, आई थिंक टीम नंबर 18 के प्लेयर्स को इम्पैक्ट मिलेगा। एंड अनुराग को फिनिश ऑफ करते हुए यहाँ पे आई थिंक हील बैटल करने की कोशिश कर रहे हैं टीम सी के, आयरोनिक को यहाँ पे नॉक कर दिया गया, देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार फाइट लेते हैं बोनस। और यहाँ पे पूरी की पूरी टीम सीई जो है टीम बीएस के द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिनिश ऑफ हो चुके हैं। T4C के पीका यहाँ पे अपने आप को हीलिंग बैटल कर रहे हैं बट इसके बाद फिनिश हो जाएंगे। बट टीम बीएस के क्या कहने, बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले बाय दीज लैड्स एंड यहाँ पे चिकन डिनर के बहुत करीब आ चुके हैं, 11 किल लेके यहाँ पे चिकन डिनर इन्होंने सिक्योर किया। व्हाट अ ब्यूटीफुल गेम प्ले बाय टीम बीएस, कैन वी हैव टीम बीएस ओपी इन द चैट, क्योंकि अगर आप देखो